हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड और 10th सीबीएसई के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। 10th स्टेट बोर्ड के बुक में ये सॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम हमें अच्छे से समझ में आए तो हम अनसॉल्व प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है उसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो कुछ दो तीन फार्मूले हमारे रह गए थे, वो इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आपको लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इसका मीनिंग क्या है कि साइन का स्क्वायर होना चाहिए और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री आना चाहिए, तो उसका आंसर 1 आएगा। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे थीटा के जगह पे साइन 45 डालने की कोशिश करते हैं, ये हो गया स्क्वायर, वो बाहर ले लिया। यहाँ पे cos 45 ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1 45 डिग्री। अब sin 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, इसका आंसर 1 आएगा, हो गया। प्लस ये भी हो गया 1/√2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो 1 + 1, यहाँ पे हो गया 2/2, तो आंसर कितना आया 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है, इसका कहना ये है कि साइन स्क्वायर अगर है, कॉस स्क्वायर अगर है, दोनों की एडिशन है और कोई भी दो एंगल है 0 0 30 30 45 45 60 60 90 90, तो उसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब मान के चलिए कि ये फॉर्मूला जो है अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। यानी कुछ जगहों पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा डालने की ज़रूरत होगी। तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। जैसे कि ये है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर रखता हूँ तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 1 - cos² थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया 1 - sin² थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला याद है, sin स्क्वायर इधर गया तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, cos स्क्वायर अगर इधर जाता है तो sin स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसको आपको अच्छे से लिख के लेना है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो अब आराम से देखो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये प्लस वन इधर जा सकता है, सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा - 1, प्लस वन इधर जाने के बाद में हो गया -1। इसका ये फॉर्मूला भी बन सकता है, कुछ जगहों पे tan स्क्वायर थीटा अकेला आएगा तो हमें वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा - 1 डालने की भी ज़रूरत होगी। अच्छे से फॉर्मूले को देखिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले 11th 12th में जैसे के तैसे है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आखिरी तक छोड़ने वाला नहीं है। आप अगर कहोगे कि मैं मैथ्स छोड़ता हूँ तो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाद में फिजिक्स में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री है। यानी आप मैथ्स भी छोड़ते हो तो फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टर्म्स आती है वो आपको नहीं छोड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे आ गया 1 + इसका एक रह गया, और मान के चलिए tan स्क्वायर अगर इधर चला जाए तो यहाँ पे बचेगा 1, सो tan स्क्वायर थीटा sec² थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर इधर गया तो हो गया -tan² थीटा, तो sec² थीटा - tan² थीटा का आंसर आएगा 1। tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह गया तो प्लस 1 इधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं sec² थीटा - 1। फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ इधर का अगर उधर कोई टर्म जाती है तो फॉर्मूला अलग तरीके से दिखने लगता है। फॉर्मूला एक ही है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, प्लस 1 अगर इधर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान के चलो tan स्क्वायर थीटा जो प्लस है इधर गया तो वो माइनस हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू sec² थीटा - tan² थीटा। अब आ गया यहाँ पे 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा।
देखो साइन और कॉस की जोड़ी है, कॉट और सेक की जोड़ी है, कॉट और कोसेक की जोड़ी है, ये अच्छे से याद रखना है। फिर से वही काम कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा मैं यहीं पे रख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये प्लस वन इधर चले गया, वो हो गया माइनस वन। अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे वन को वैसे का वैसा रख देता हूँ तो प्लस कॉट स्क्वायर इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको किसी जगह पे इसकी ज़रूरत गिर सकती है, किसी जगह पे इसकी ज़रूरत गिर सकती है, किसी जगह पे इसकी ज़रूरत गिर सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक के जगह पे कोई दूसरे फॉर्मूले डाल के ही हमें आंसर लाना होता है। जो शो दैट के प्रॉब्लम्स है या फिर जो प्रूव दैट के प्रॉब्लम्स है उसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जगह पे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करके ही आंसर लाना है। जैसे कॉस स्क्वायर के जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर के जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा करते हुए हम ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है पहला, तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, वहाँ पे ही आधा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व प्रॉब्लम हम देख रहे हैं टेंथ क्लास के, ये CBSE को भी है और यहाँ पे स्टेट बोर्ड को ही है। ये स्टेट बोर्ड के बुक में भी बुक के प्रॉब्लम्स है लेकिन ये CBSE के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे इफ सॉल्यूशन सो गिवन, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 है, सो गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 देन फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि साइन थीटा अगर दिया है तो कॉस निकालो, ये हो गया जनरल प्रॉब्लम। लेकिन आगे वो ये पूछ सकता है, आपका प्रॉब्लम यहाँ तक ही है लेकिन आगे वो ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो, यानी साइन अगर दिया है तो कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे निकालो, सारे निकल सकते हैं, कोई भी पूछो। तो देखो अब अभी हमने देखा था कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, हमें पता है, वी नो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमें पता है। साइन हमें पता है, कॉस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, जो मालूम है वो एक साइड को चला गया, जो निकालना है वो एक साइड में आ गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आ गया वन माइनस साइन, साइन की वैल्यू है हमारे पास 20/29, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट का, ये आ गया स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बाहर चला गया। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर पूरे टर्म का है। यहाँ पे अगर लिखते हो तो भी वो पूरे टर्म का है, लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तो ये थीटा का ही स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गलत है, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर कहलाता है। तो लिखते वक्त आपको अच्छे से ध्यान में रख के लिखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। अब ये आ गया वन, सो 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400 और यहाँ पे ये हो गया 841। 29 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो है 841। तो अब यहाँ पे अब आराम से देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एक माइनस दो तीन, तीन टर्म हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 841 माइनस यहाँ पे आ गया 400 अपॉन यहाँ पे आ गया 841, 841 में से 400 गए, यहाँ पे बचा 441, यहाँ पे आ गया मान के चलो 841, 441 21 का स्क्वायर है, 841 हमने अभी देखा 29 का स्क्वायर है, स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब सबके पास स्क्वायर है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सबके स्क्वायर निकाल दो, रूट ले रहे हो यानी स्क्वायर को गायब कर दो। तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 20/29, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ये साइन थीटा था, ये आ गया कॉस थीटा। अब सवाल ये है कि अगर हमें बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर निकालने हैं तो क्या हम निकाल सकते हैं इजीली? अब देखो आराम से, वी नो टैन थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मुलेशन सारे याद होना जरूरी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको टैन निकालना है तो साइन अपॉन कॉस, हो गया। तो साइन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20/29, ये आ गया 20/29। कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है, 21/29,
29 gets cancel, ये आ गया 20 upon 21, so tan theta is equal to 20 upon 21. अगर मान के चलिए कि मुझे cot निकालना है, so cot theta, number 4, cot is a reciprocal of tan, हमें tan पता है, या फिर simple, cot is equal to cos theta upon sin theta. So cot के दो formula है हमारे पास, ये formulation आपको याद होना जरूरी है. इसको आप कभी भी चलते बैठते उठते सोते खाते पीते मन में दोहराओ, अपने आप याद हो जाएगा. सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है 21 अपॉन 29, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी 20 अपॉन 29. 29 गेट्स कैंसल, ये आ गया 21 अपॉन 20, तो ये हो गया कॉट थीटा. हो गया नंबर 5. अब हमें निकालना है sec, तो हमें पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. ये फॉर्मूले है जो हम यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में दिए हुए हैं, आपको अच्छे से एक बार वो देखना है, लिख के लेना है और उसको याद करना है. अब cos की जो वैल्यू है, मेरे पास cos की वैल्यू है 21 अपॉन 29, ये आ गया 21 अपॉन 29, ये 29 ऊपर चला जाएगा, ये अल्जेब्रा के रूल्स है. यहाँ पे ये आ गया 29 अपॉन 21, सो ये आ गया तुम्हारा sec थीटा. यहाँ पे एक ही निकालने को बोला था, आपको एग्जाम में यहां तक ही करना है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में कुछ और अलग पूछा जाए, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए. तो यहाँ पे हो गया 6. अब हमें निकालना है cosec थीटा, सो cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. साइन का रेसिप्रोकल है, इसका कहना यह है कि साइन को उल्टा करके लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन चलो लिख दो. ये आ गया 1, साइन के जगह पे आया 20 अपॉन 29. 29 को यहाँ पे आप क्या करो, 29 को ऊपर लिख दो. सो cosec थीटा इज इक्वल टू 29 चला गया ऊपर और यहाँ पे आ गया 20. तो आप बोलोगे 1 कहाँ गया, 29 वन जा 29 अपॉन 20. तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास में निकल चुके हैं. तो ये हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका. क्या इसे किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, और बाकी जो प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आते भी हैं ऐसे तरीके के, ऐसे टाइप के, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो. आपको वीडियो पॉज करना है और इसको अच्छे से लिख के लेना है. फिर से यही प्रॉब्लम अगर दूसरे मेथड से हम करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं. तब तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. मन के मन में बिल्कुल बोलते जाओ. देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 29, इसको बोलो इक्वेशन 1. अब हमारे पास टाइप 2 है, दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल निकालता हूँ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान के चलिए कि इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इसको मैंने बोल दिया थीटा, कि जो यहाँ पे है आप किसी को भी बोल सकते हो, हमने उस दिन लेक्चर में देखा था, पहले वीडियो आप देख लो अच्छे से. इस थीटा की ये हो गई एडजेसेंट साइड, इस थीटा की ये हो गई अपोजिट साइड. तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा ये रेशियो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस का. तो अपोजिट साइड हो गई 20, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो अपोजिट साइड हो गई 20, ये आ गई 20, और यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया ये हाइपोटेनस हो गया हमारा 29. अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, कुछ भी करके एडजेसेंट साइड निकालना है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में यहाँ पे हमारे समझ में आया कि अपोजिट साइड इज इक्वल टू 20. देखो इक्वेट कर रहे हैं, यानी क्या, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड है मतलब उसकी वैल्यू हो गई 20, हाइपोटेनस है मतलब उसकी वैल्यू हो गई 29. हमने उस दिन देखा था कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा होता है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, एसी, तो यहाँ पे आ गया एसी का स्क्वायर. साइड 1 किसी को भी बोलो, साइड 2 किसी को भी बोलो, चलो साइड 1 बोलते हैं ए बी को,
ये आ गया ए बी का स्क्वायर और ये आ गया बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है क्या? यस, वो है 29। 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ए बी हमारे पास है क्या? यस, ये आ गया 20 का स्क्वायर। प्लस बी सी हमारे पास है क्या? नहीं, वो हमको निकालना है। ये आ गया बी सी का स्क्वायर, ये आया 841। 20 का स्क्वायर आया 400। यहाँ पे आ गया बी सी का स्क्वायर, 400 को इधर लाओ, 841 माइनस 400 इज इक्वल टू यहाँ पे आया बी सी का स्क्वायर। तो ये प्लस 400 इधर आने के बाद में माइनस हो गया, नंबर एक साइड में आ गए और जो अननोन है वो एक साइड में रह गया। तो 841 में से 400 गए, यहाँ पे बचा 441, यहाँ पे आया बी सी का स्क्वायर। 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है और यह आया बी सी का स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड मतलब 21 इज इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी इज इक्वल टू आ गया 21। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू जो है वो 21 आ गई। अब क्या है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मान के चलो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो पहला जो टाइप देखा था वो अलग टाइप है, ये जो टाइप है वो अलग है। इसमें पाइथागोरस यूज करना होता है, उसमें पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, सब सेम ही है, आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब थीटा की एडजेसेंट साइड, ये जो थीटा है, थीटा की एडजेसेंट साइड कितनी है? 21, तो ये आ गया 21। हाइपोटेनस कितना है? तो ये आ गया 29। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 21 अपॉन 29। अब यहाँ पे आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हाँ, तो ये आ गई अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, फॉर्मूले याद होना जरूरी है। तो अपोजिट साइड कितनी है? तो थीटा की अपोजिट साइड है 20, एडजेसेंट साइड कितनी है? तो 21। ये निकल गया टैन थीटा। बाकी की जो है कॉट सेक और कोसेक, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं हमारे, आपको पता है, उस तरीके के फॉर्मूले से आप कॉट सेक और कोसेक की प्रैक्टिस घर पे कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से एक ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, और वो कैसा करना है। हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर आपको याद ना हो, वो कर लीजिए। फॉर्मूला पाइथागोरस आपको याद ना हो, वो कर लीजिए। आपको अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, वो समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। आपको सिर्फ मार्क लेने के लिए नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको कंसेप्ट्स याद रखना है, ताकि आप 11 12th में जाने के बाद में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पहला जो प्रॉब्लम है हमने दोनों तरीके से देखा। अब आप, मैं एक कोई भी एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरा तरीका आपको ट्राई करना है, और नहीं अगर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ अगर अड़चन आती है तो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 फाइंड टैन थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा को फाइंड करो। तो देखो इजी है, सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। वो कह रहे हैं कि टैन थीटा को निकालो। मैंने आपको अभी सिखाया था कि हम सेक अगर दिया है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए उतना ही करना है, लेकिन वो पूछ कुछ भी सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ गया सेक। तो सेक और टैन में कुछ रिलेशन है क्या? यस, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी हुई है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे टैन स्क्वायर निकालना है, तो टैन स्क्वायर अगर निकालना है तो उसको अकेला कर दो, और ये प्लस 1 को इधर लेके जाओ, तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 25 अपॉन 7, ये आ गया ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे आया माइनस 1। तो 25 का स्क्वायर है वो है 625, और यहाँ पे 7 का जो स्क्वायर है वो है 49, यहाँ पे आ गया माइनस 1। सो 625 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का और 49 का, 49, यहाँ पे आ गया 49, ये बच गया 576 अपॉन 49 हो गया। इसमें से अगर इसको निकाला जाए तो वो बचता है 576, 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है, सॉरी ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ इधर हम, ये जो साइड है, इस साइड में हमारा टैन स्क्वायर है हमारे साथ में, इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो टैन थीटा इज इक्वल टू आ गया 24 अपॉन 7।
तो सेक दिया था, टैन पूछा था। हो सकता है सेक दो और कॉट पूछे, तो कॉट अगर पूछता है तो वी नो, फिर से टैन निकाला हमने, तो बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन टैन, ये निकल गया टैन, यहाँ पे आया वन अपॉन टैन, सो टैन की वैल्यू है 24 अपॉन 7, ये 7 जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ गया 7 अपॉन 24, सो ये आ गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24। वो हो सकता है कि भाई कोसेक पूछ ले या फिर कॉस पूछ ले, तो कॉस तो इस सेक से ही निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन सेक थीटा, सो 1 अपॉन सेक की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 25 अपॉन 7, 7 चला जाएगा ऊपर, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ गया 7 अपॉन 25। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से लिख लेना है। हो सकता है कि पढ़ाते वक्त कुछ गलती हो जाए, उसको अगर आपके ख्याल में आती है वो कोई मिस्टेक, तो आप कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए। तीसरा प्रॉब्लम, इफ 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो फाइंड बोल रहे हैं कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है, गिवन। सो गिवन क्या है हमारे पास, 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो अब आराम से देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 साइन थीटा इधर रखो, माइनस है तो इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये आया 12 कॉस थीटा, हो गया। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन यही पे रख दो और ये जो कॉस है मल्टीप्लीकेशन में है 12 के, वो इधर साइड आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से ये कॉस इधर आने दो, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया 12, यही पे रह गया और ये 5 जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में आया। तो अब सवाल ये है कि भाई हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड में कर लिए, साइन इधर रख दिया, ये कॉस जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में आ गया, ये 12 जगह पे रह गया, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में आया, यानी कि इस साइड में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में जाएगी, इस साइड में अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में जाएगी। हमें मालूम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 8, टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, सिंस बाजू में लिखते रहो क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन होता है, ये फॉर्मूला बाजू में आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी फॉर्मूले आप यूज करते हो वो फॉर्मूले आपको वहाँ पे बाजू में लिखना है, तो ही वो मार्क देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सो टैन थीटा इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 5। अब निकालना क्या है, सेक हम निकाल सकते हैं, हमने अभी इसके पहले ही एक प्रॉब्लम देखा, टैन और सेक का रिलेशन हमें पता है, सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अच्छे से लिख दो, वी नो हमें पता है, तो यहाँ पे टैन हमें पता है, सो टैन हमें पता है, ये आ गया 1, टैन हमें पता है, सेक निकालना है तो टैन की वैल्यू डाल दो, 12 अपॉन 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, सो ये आ गया 1, 12 का स्क्वायर आ गया 144, 5 का स्क्वायर आ गया 24, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 को, 25 वन जा 25, 144 अपॉन में आ गया 25, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया 169 अपॉन 25, सो 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो 13 यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो सबका अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आएगा 13 अपॉन 5 विच इज सेक थीटा, सो सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया 13 अपॉन 5। तो इसको आराम से देखो, सेक आ गया, अब अगर मुझे कोसेक निकालना है, कोसेक, सो कोसेक अगर मुझे निकालना है, सेक निकाल लिया,
अब कोसेक कैसे निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सो कोसेक सेक का जो सेक से कॉस आ सकता है, सेक से कौन मिल सकता है, कॉस हो गया, उसके बाद में हमारे पास टैन है, उसके बाद में हम कॉट भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको निकालना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपको कोसेक निकालना है तो कोसेक कैसे निकालेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमें कोसेक निकालते नहीं आया। कोसेक का रिलेशन किसके साथ में है, साइन, वन अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक। क्या हमारे पास में साइन है या फिर हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं उसको चेक करो। हमारे पास में यहाँ पे सेक था, सेक तो इजिली निकल के आया, तो कोसेक को कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में सोचो। फॉर्मूलेस को सामने रखो, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है उसको सामने रखो और अच्छे से चेक करो कि हम कोसेक कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई एक चीज कि आपको कोसेक खुद निकालना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sec θ अपौन 1 + cosec θ। तो प्रॉब्लम को आराम से देखिए, आप अगर प्रॉब्लम को आराम से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि वहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है कॉस की और सेक और कोसेक पूछा है। तो हम ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या कर सकते हैं देखेंगे। गिवन है हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, ये हो गई एक चीज, 1 - sec θ अपॉन 1 + cosec θ इज इक्वल टू व्हाट। देखो कॉस और सेक का तो रिलेशन है, कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 / sec θ ये फॉर्मूला है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 / cos θ ये भी फॉर्मूला है, मतलब सेक और कॉस एक दूसरे के रिलेशन में है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है। लेकिन कॉस और सेक कोसेक का रिलेशन नहीं है, इसके मतलब कोसेक अगर वैल्यू हमें निकालना है तो हमें साइन चाहिए होगा, मतलब कॉस दिया है और हमें साइन चाहिए होगा तो हम निकाल सकते हैं। साइन क्यों निकालना है, क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1 / cosec या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 / sin। तो देखो आराम से, वी नो साइन निकालना पड़ेगा, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन निकालना है तो साइन को इसी साइड में रख दो, 1 - cos² θ ये आ गया 1, कॉस की वैल्यू हमारे पास है वो डाल दी यहाँ पे अंडर रूट 3/2, ये आ गया ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे आया 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 1 = 4, यहाँ पे आ गया -9 अपॉन यहाँ पे आ गया 4। सो यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि ये हो गया अब माइनस, तो होने दो, चलो ठीक है देखते हैं क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा, सो यहाँ पे आ गया -5 अपॉन में आ गया 4, तो अब माइनस नहीं होना चाहिए था, माइनस नहीं आना चाहिए था, कुछ तो भी गड़बड़, हाँ सॉरी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, हाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 3, सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ गया अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर आ गया 4, सो 4 × 1 = 4, यहाँ पे आ गया -3 अपॉन में 4, वो 4 - 3 गया 1, 1/4, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आया, लेकिन हमें साइन चाहिए होता तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा तो भी आंसर 1 आएगा, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या कर सकते हैं, नाउ हमें चाहिए होगी सेक की वैल्यू, सेक इज इक्वल टू 1 / cos, ये आ गया कॉस, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 3/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, सो सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 / √3, सो सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 / √3, हो गया।
आराम से ध्यान रखिए, यहाँ पे गलती हो सकती है कि हम अंडर रूट गड़बड़ में मतलब सॉल्व करते करते हमसे गड़बड़ हो सकती है कि 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने, लेकिन 3 का नहीं लिखना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। सो सेक तो निकल गया, सेक यहाँ पे निकल गया, अब हमें निकालना है कोसेक। सो कोसेक का फॉर्मूला हमें पता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 1 अपॉन 2, तो ये जो 2 है ये जाएगा ऊपर, 1 into 2 upon 1, 2 1 जा 2, 2 upon 1 is equal to 2, तो ये आ गया cosec theta। अब हमारे पास नाउ हमें जो वैल्यू निकालना है वो है 1 minus sec theta upon 1 plus cosec theta is equal to, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस sec, sec की वैल्यू है 2 upon under root 3, उसके बाद में ये आया 1 प्लस कोसेक की वैल्यू है 2। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आराम से देखो 1 2 3, बीच में माइनस है, अंडर रूट 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट 3 बनता अंडर रूट 3, यहाँ पे आ गया माइनस 2, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 1 plus 2 is equal to 3। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 2, ये जो अंडर रूट 3 है ये 3 के साथ में जाएगा, तो इसका आंसर आया 3 upon under root 3। सो इसका जो आंसर है वो आया हमारे पास में, अच्छे से ब्रैकेट करना बच्चों, अच्छे से आखिरी फाइनल जो आंसर होता है उसको मस्त भाई कैसा ब्रैकेट करो, अच्छे से लिखो, आपके 2 मार्क अच्छे से बढ़ जाएंगे, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे से आपके मार्क बढ़ जाएंगे। ओके थैंक यू, अच्छे से लिख लो, पॉज करके लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, थैंक यू।